Hi friends, welcome again on CA.Nitin classes. Let us start. तो हम कर रहे थे types of contracts. Types of contract में आपने किया था valid contract, voidable contract, void contract और void agreement. Ab initio जिसको बोलते हैं. Now, अब types of contract का पूरा postmortem. तो types of contracts on the basis of creation. Create किस तरीके से होते हैं? तीन तरीके. On the basis of execution. बेसिकली दो तरीके से और एग्जीक्यूटरी के भी दो टाइप. एनफोर्सिबिलिटी आप जान चुके हो. क्रिएशन एक्सप्रेस बोल के या लिख के. तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा कि आप मेरे से ये फ्लैट खरीद लो 50 लाख रुपए का. मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया. सब कुछ सारे पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्सप्रेस्ड है बोल के या लिख के, वट एवर द केस इज, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस्ड. इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इट इज इंप्लाइड कि उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो फॉर एग्जांपल आप मेट बस स्टैंड पे खड़े हो, आपके सामने एक बस आके रुकती है, आप उसमें बोर्डिंग करते हो. जैसे आप उसमें बोर्डिंग करते हो तो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आप में और उस बस ओनर्स में कि वो बस आपको डेस्टिनेशन पे छोड़ेगी और उसके बदले में आपसे एक फेयर चार्ज करेगी जो आप पे करो. तो ये इंप्लाइड है, किसी को कुछ बोलने की कुछ लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स इंप्लाइड. तो कंडक्ट ऑफ पार्टीज से जो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाय द इंसेप्शन ऑफ लॉ, लॉ उसको एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे देता है. तो जैसे आपके पास कुछ फूड आइटम है, आप अपने फ्रेंड के यहां गए और बाय चांस वो फूड आइटम आप वहीं पे भूल गए. आपके फ्रेंड ने सोचा कि ये उसकी है और उसने वो कंज्यूम कर लिया. तो बाय द इंसेप्शन ऑफ लॉ आपके फ्रेंड को कंपेंसेट करना पड़े, या तो वो फूड आइटम बाहर से खरीद के आपको देगा या पैसा आपको देगा. एथिकली भी यही है. तो अगर आपकी कोई चीज कोई दूसरा बंदा कंज्यूम कर लेता है अपनी समझ के, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको रीइंबर्स करेगा. तो वो जो आपके फ्रेंड ने कंजम्पशन कर ली, एक तरीके से आपने उसको वो गुड्स दिए और अब वो आपको पैसा देगा, ये लॉ ने कह दिया. तो लॉ ने कह दिया तो कह दिया, तो अब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है. तो एक्सप्रेस, इंप्लाइड और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं दो तरीके के, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटेड पास्ट टेंस. तो एग्जीक्यूटेड का मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज हैं, उन पार्टीज ने अपने से रिलेटेड जो भी उनकी काम था, जो भी उनकी ऑब्लिगेशन थी, जो भी कंसिडरेशन था, वो काम पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका है, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा आप मेरा फ्लैट खरीद लो 50 लाख रुपए में. मिस्टर वाई ने कहा ओके. अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के नाम रजिस्ट्री कर दी है और मिस्टर वाई ने पैसे भी दे दिए हैं. तो मिस्टर एक्स घर दे चुके हैं और मिस्टर वाई पैसा दे चुके हैं, दोनों अपना काम कर चुके हैं, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी एज द नेम सजेस्ट, टू बी, विल बी. तो फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ. नाउ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मे बी दोनों पार्टीज का काम आउटस्टैंडिंग है और मे बी किसी एक का काम कम से कम आउटस्टैंडिंग है, दोनों का काम पूरा नहीं हुआ है. क्योंकि अगर दोनों का काम पूरा हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा. तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कम से कम एक पार्टी का काम अभी आउटस्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. At the time of formation of the contract. Okay, तो अगर एक पार्टी का काम outstanding है और एक पार्टी अपना काम परफॉर्म कर चुकी है at the time of formation of the contract, तो उसे unilateral executory contract बोलते हैं. और अगर दोनों पार्टीज का काम outstanding है, दोनों पार्टीज ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, दोनों को अपनी परफॉर्मेंस करनी है, अपना पार्ट प्ले करना है, तो वो बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. एग्जाम्पल बायलेटरल का सुनते हैं. तो फिर वही मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा कि आप मेरा फ्लैट खरीद लो 50 लाख का. मिस्टर वाई ने कहा ओके. नाउ इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट.
अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बना लेकिन अभी तक मिस्टर एक्स ने उसे घर नहीं दिया और मिस्टर वाई ने अभी तक पैसे नहीं दिए, दोनों में से किसी ने भी अपना कोई काम पूरा नहीं किया है, तो ये बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल। नाउ आप रेलवे स्टेशन गए, आपके पास लगेजेस हैं दो तीन, आपने कुली हायर किया, आपने कुली से कहा कि भैया मेरा उस स्टेशन नंबर पे और ये ट्रेन है और ये बोगी नंबर है, आप सामान फिट कर दो, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। कुली ने कहा ओके। अब जब कुली वो सामान लिफ्ट करके आपकी बोगी में सेट कर देगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब आप उसको पैसे देने के लिए बाउंड हो, ऑब्वियसली बात है। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुली हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो कुली ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर दी है। अब आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आपको उसे 100 रुपए देने हैं, अभी तक आपने नहीं दिए, लेकिन कुली अपना काम कर चुका है, तो एक जना अपना काम कर चुका है, एक को करना है। नाउ दैट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सिंपल है, नाम से पता चल जाते हैं। हाँ, बस ये है कि ये थोड़ा सा है कि इंसेप्शन ऑफ लॉ, बाकी एक्सप्रेस बोल के या लिख के ऑब्वियसली बात है, इंप्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको बोलने लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दैट्स बाय द इंसेप्शन ऑफ लॉ, लॉ इंपोज करता है कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल बायलेटरल, और ये तो आप कर ही चुके हो। तो फटाफट से जो भी आप कर चुके हो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, लर्निंग नहीं अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इन चैप्टर्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन।